दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में हुए हादसे के बाद देश के तमाम शहरों में जो कोचिंग संस्थान हैं उनको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल इस बात के कि जो छात्र अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई लेकर कोचिंग संस्थानों में आते हैं, तब उसके बाद उनकी जान की सुरक्षा क्या है और किस तरीके से कोचिंग संस्थान इसकी परवाह करते हैं। हम इस समय मौजूद हैं प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके में, जो कि कोचिंग संस्थान का हब माना जाता है। कोचिंग संस्थान से जुड़े कुछ बच्चे हैं, कुछ छात्र हैं और कोचिंग संस्थान के कुछ जो डायरेक्टर्स हैं, मालिकान हैं, वो भी हमारे साथ हैं। शुरुआत करते हैं छात्रों से और उसके बाद छात्रों के क्या जवाब हैं संस्थान के जो मालिकान हैं वही देंगे। किस तरह की स्थितियां आपके शहर में हैं, चूँकि दिल्ली में 3 बच्चों की जान चली गई, क्या आप सेफ हैं इस शहर में कोचिंग संस्थान में? जो दिल्ली में हुआ बहुत ही खेदजनक था। इसको आपके क्लासरूम में पूरी सुरक्षा है? जी, मेरे क्लास क्या है बताइए। मेरे क्लासरूम में हर तरीके की फैसिलिटी दी गई है, कोई भी डेंजरस इक्विपमेंट जो भी होते हैं उस चीज़ की हर दिन चेकिंग होती है। हर चीज़ के बारे में मैम जानकारी देती हैं कि सब चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, क्या एसी में कोई तरीके की गड़बड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है, कि उससे आग लगने का खतरा हो, वो सारी जानकारी ली जाती है। एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट के बीच की जो सीट होती है उसका कितना मीटर का दायरा होता है आपके यहाँ? आधा मीटर तक का दायरा रहता है। राइट, कुछ और छात्र हैं बस देते हैं। इस तरह की स्थितियां हैं इलाहाबाद में जो संस्थान है, प्रयागराज में जो संस्थान है कोचिंग में, क्या बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जाता है? तो सर फैसिलिटी ठीक है, लेकिन इलाहाबाद में और दिल्ली में थोड़ा सा अंतर ये है कि वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो चुका है, ये हो रहा है, तो इसमें इतना कंजस्टेड नहीं है। तो इलाहाबाद में उस लिहाज से देखें तो इतना ज़्यादा चिंता की बात नहीं है जितना कि दिल्ली में है। दिल्ली जैसी घटनाएं आप लोगों को परेशान नहीं करती? सर करती है, बिल्कुल करती है। हमारे एस्पिरेंट्स के लोगों के बीच में काफ़ी रहता है, आक्रोश भी रहता है। और सर इसमें एक मुझे ये लगता है कि अगर हम मान लीजिए कि कोई जिम्मेदारी ले भी लेता है, लेकिन ऐसी घटनाएं तो पहले भी हो चुकी हैं, या 1 साल पहले भी आग लगी थी किसी कोचिंग में। तो क्या सरकारें ध्यान नहीं देती इस पर, सख्त नहीं है, या उनका बिजनेस वॉल्यूम टैक्स का इतना ज़्यादा होता है कोचिंग संस्थान की तरफ सरकारों का कि उसकी वजह से वो लोग इंटरटेन नहीं करते? सर उनके बीच में वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और उसी पर आगे अपनी राजनीति करते रहते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। तो उस हिसाब से ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं और इस बीच में काफ़ी हो भी गई हैं, 2 लगातार घटनाएं आ चुकी हैं और एक सूरत से भी घटना आई थी। तो सर इसमें ध्यान दिया जाना चाहिए। जो घटना दिल्ली में घटी उसने सबकी आंखें खोल दी हैं। प्रयागराज में 210 के आसपास कोचिंग संस्थान हैं, जिसमें बहुत से कम संस्थान हैं जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको ध्यान में रखते हैं। कितनी जिम्मेदारी है आप लोगों की? सर बेसिक सेफ्टी मेजर्स जो कि आग लगने से या फिर रास्तों की अगर बात करें, मैं कोई झूठ नहीं बोलना चाहूँगी, ज़्यादातर बिल्डिंग्स के जो कंस्ट्रक्शंस हमें मिलते हैं हर जगह पे, जो पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनमें सिर्फ एक रास्ता है, जिन्हें भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं आइडियली, और आप हमारे ही नहीं और कई जगहों पर आप जाके देखेंगे तो इस तरह से आपको मिलेगा। बात एक इस चीज़ में नहीं है कि आपकी संस्थान किस तरह से बनी है, किस तरह के बिल्डिंग में बनी हुई है। बेसिक जो चीज़ें शुरू होती हैं एक रेगुलेशन से शुरू होती हैं, वो रेगुलेशन मुझ पे या फिर दिल्ली की कोचिंगों पे या प्रयागराज की कोचिंगों पे या तमाम देश के हर कोचिंग पे अगर लगे तो वो ज़रूरी है। मुद्दा आज हम ले रहे हैं कि 3 बच्चों का डिमाइस हुआ है वहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन में। शायद कल मैंने इस पे कुछ कहने की भी कोशिश की थी और मैं मानती हूँ कि हर टीचर कल्प्रिट है वहाँ पे, हर संस्थान कल्प्रिट है। इतने ज़्यादा बड़ी ये इंडस्ट्री बोलूँगी मैं, इस साथ में शब्द का इंडस्ट्री का यूज़ करूँगी कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, CSR भी किया जा सकता है, मैंने बोला यहाँ इस पे। लेकिन बात आती है रेगुलेशन की, देयर शुड बी अ रेगुलेटरी बॉडी। क्यों? क्योंकि अभी 3 बच्चों की डिमाइस आपने देखी, इससे जस्ट पहले दिल्ली के पटेल नगर इलाके में ही 1 बच्चे का डिमाइस हुआ था, नीलेश राय का, जो बच्चा मेंस लिख रहा था। अब 2 चीज़ें आती हैं, उस समय अगर बात उठी होती या वाटर लॉगिंग पे बात हुई होती, इलेक्ट्रिक्यूशन पे बात हुई होती, तो शायद ये जो ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ है ये नहीं होता। ठीक है, वो बहुत छोटे तरह पे चला गया और इसके पहले भी वाटर लॉगिंग की वजह से तमाम लोगों ने कहा कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है इस बार। बट हम कोई जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के ड्रेनेज सिस्टम इतने अच्छे हो सकते हैं तो जाहिर से बात है अगर ध्यान दे तो हमारे ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छे। प्रशासन सरकार की ही या कोचिंग संस्थान दोनों की है?
कोचिंग संस्थान की भी है। आप अगर ओल्ड राजेंद्र नगर की बात करेंगे, वो जो एरिया है सर, वहाँ आज से नहीं 10 सालों से वाटर लॉगिंग हो रही है दिल्ली में, चूंकि उससे ही 10 मीटर दूरी पे जाके हमारी कोचिंग भी है वहाँ पे। लेकिन अगर आप कोचिंग के इलाके की हालत देखेंगे, जितनी ज्यादा उसमें पॉपुलेशन हर साल बढ़ती है, उतनी कम एमिनिटीज वहाँ पे होती जा रही है। ठीक है, अब जब मैं रेगुलेटरी बॉडीज की बात कर रही हूँ सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे छूट रहा है कि आज बच्चे बोल रहे हैं यूपीएससी स्टूडेंट्स की लाइफ मैटर कर रही है। कई बच्चों ने ये भी कहा कि 2 लाख 2.5 लाख लिया जा रहा है, जो कि वाकई एक बहुत बड़ा सम है। इन सब सम के अलावा एक बात सोच के देखिए, कई ऐसे वनडे की कोचिंग्स हैं, ठीक है, कई ऐसे यूपीएससी की कोचिंग, कई ऐसी कोचिंगे हैं जहाँ पे 500 रुपए 600 रुपए में भी एडमिशन लिया जा रहा है, 5,000 2,000 बच्चों को एक जगह बिठा के पढ़ाया जा रहा है। हम छोटा सा भी कोई अगर एक गैदरिंग करते हैं तो प्रशासन से हम उसकी जानकारी देते हैं, हम उसके बारे में लेते हैं कि आप हमें अलाउ करें कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन हर दिन जो हम 5-7 हज़ार बच्चों को बल्क एडमिशन के नाम पे जो बारूद के ढेर पे बिठा रहे हैं, क्या हाथरस वाला भगदड़ वो वाली सिचुएशन नहीं आ सकती है? आप जानते हैं कि गवर्नमेंट बीच रेमेडी क्या, समाधान क्या, रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जैसे राइट टू एजुकेशन 2009 के अंदर पीपल और टीचर रेशियो के बारे में बात की गई है, आप 30 स्टूडेंट एक क्लास में बिठा सकते हैं। हम मानते हैं 30 नहीं बिठाएंगे, बड़े बच्चों की अगर क्लास है यहाँ पे, या फिर हम उस तरह की एमिनिटीज देते हैं तो 60-70 बच्चे बिठाएं, किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहेगा, क्योंकि जितने बच्चे आ रहे हैं उतने ज्यादा नंबर में वो पैसे भी पे कर रहे हैं, तो उनको एमिनिटीज देना इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स का नंबर कम किया जाए, कम किया जाना चाहिए बिल्कुल। सेफ्टी मेजर्स में क्या और जो कोचिंग संस्थान की और क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या जो फायर नॉर्म्स है वो पूरे होते हैं, एनबीसी का जो कंडक्ट है? सर देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, जैसे हम कोचिंग संस्थानों में रहे हैं, हम पे तो हर बार ऐसा रहता है कि थोड़े थोड़े दिनों में फायर स्टेशन से लोग आते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स चेक करते हैं। हमारे यहाँ एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग भी देते हैं कि किसको कौन सी नॉब खोल के किस तरह से हम फायर एक्सटिंग्विशर को चलाना है, ठीक है। ड्रिल्स भी होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे भी जो बिल्डिंग में लगा है इसके लिए भी हमने ड्रिल किया हुआ है, तो ये तमाम चीजें होती हैं। बट टू बी वेरी फ्रैंक एंड प्रिसाइज सर, वहाँ लगातार कुछ ना कुछ एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो बार बार आकर के सिर्फ फायर नॉर्म्स ही नहीं हर तरह के नॉर्म्स को चेक करे। कोचिंग संस्थान की कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है क्या? कोचिंग संस्थानों के मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी में तो कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। उसका होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम कुछ हमारे ऊपर छोड़ा गया, हम वो चीज नहीं कर पाए, तो हमें रेगुलेट करने का हक है ऑब्वियसली। सर 60,000 करोड़ का बिजनेस, इंडस्ट्री का बिजनेस है आपकी कोचिंग का, जो पूरे देश भर में है, उसके बावजूद इस तरह घटनाएं हो जाती हैं, क्या वजह देखते हैं? घटनाएं होने का एक कारण ये है कि ये बिजनेस ट्रीट हो रहा है, और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो बेसमेंट में चला लेते हैं, उनको कम पैसे में मिल जाता तो ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं, और कुछ जो है सारे रेगुलेटरी नॉर्म्स जो नहीं भी हैं वो फॉलो करते हैं, बच्चों को इंसान ट्रीट करते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो कम प्रॉफिट करते हैं। इससे क्या हो रहा है कि ऐसा काम करने वाले लोग इनकरेज हो रहे हैं कि हम कम पैसे में कम चीज़ें फॉलो करके बेसमेंट में चला लें, वहाँ लाइब्रेरी चला लें और क्लासेस चला लें। तो जैसे अपूर्वा जी ने कहा कि रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, अगर रेगुलेटरी बॉडी होगी तो हम भी उससे बंधे रहेंगे, वो एक कानूनी बॉडी होगी जो हमें ये बताएगी कि आप अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलाना चाहते हैं तो आपको मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया कितना है, क्या सेफ्टी मेजर्स है और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। रेगुलेशन सरकार ने दे रखी है पहले से, रेगुलेटरी अथॉरिटीज नहीं है, कौन रेगुलेट करेगा, एक जगह से रेगुलेट होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जहां तक मेरी नॉलेज है कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, हम कहां से लाइसेंस ले रहे हैं? ये इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो लाइसेंस दे, और लाइसेंस में कंडीशंस लिखे होने चाहिए, द मोमेंट यू वायलेट दीज कंडीशंस। ये कितनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो विदाउट इसके हैं, किसी भी सर्टिफिकेशन के, किसी भी रजिस्ट्रेशन के बगैर चला रहे हैं, इसीलिए ये घटनाएं हो रही हैं। और जो घटना दिल्ली में दो हुई हैं वो दोनों दो प्रकार की हैं, एक में जो है वो पब्लिक प्लेस में स्टूडेंट का डेथ होता है, जहां इलेक्ट्रोक्यूशन होता है और फ्लडिंग होता है, दूसरा है कोचिंग के अंदर बेसमेंट में कोचिंग चलाया जा रहा है वहां पे होता है। अब ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है कोचिंग इंस्टीट्यूशन के लिए। हमारा एक सलाह है, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन और जितने भी दिग्गज इंडस्ट्री हैं उनको इकट्ठा होकर के आना चाहिए और एक आवाज उठाना चाहिए कि हम सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, और कुछ इसी में ऐसे लोग हैं जो नहीं नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, उनके कारण हम सबका नाम बदनाम हो रहा है। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट इंटरवीन करे,
हमें भी बैठाए, गवर्नमेंट भी होकर सारे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाए जिससे सबके ऊपर ये चीजें लागू, तो थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। तो मुद्दा अभी ये होना चाहिए कि बच्चे इतनी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और साथ में कहूंगी ना सिर्फ यूपीएससी, सबसे ज्यादा भीड़ तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज वाले एग्जामिनेशंस में है। उन एग्जामिनेशंस को और उन टीचर्स को एक रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया करके बच्चों को बोरों की तरह बल्क में भरना बंद करें। 500, 600, 700 रुपए की चीजें ऑफर करना, और जिसमें आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि आप वो अम्यूनिटीज दे सकें, या फिर अगर आप बल्क में ले रहे हैं तो किसी भी तरह आप उस तरह की अम्यूनिटीज प्रोवाइड करवाएं। भीड़ किसको बुरी लगती है, यही तो चाहते हैं कोचिंग वाले की हमारे पास भीड़ आए, करोड़ों का पैसा आए, 60,000 करोड़ की इंडस्ट्री आपकी हो गई, कैसे रोके, कौन चाहता है कि हमारे यहाँ भीड़ ना आए। सर तो इस भीड़ का बहुत बड़ा नुकसान है, नेचुरल जस्टिस होगा ना तो कोई नहीं रुकेगा, ना ओल्ड राजेंद्र नगर चलेगा, ना प्रयागराज की मंडी चलेगी, ना कोई मंडी चलेगी। तो प्रयागराज में जो छात्र हैं और जो कोचिंग संस्थान है उनके मालिकान का कहना है कि सबसे पहले तो इसके लिए एक कॉम्पिटेंट रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, और उसके बाद प्रशासन की तरफ से भी लगातार इस तरह की रेड होनी चाहिए जगह जगह, ताकि फायर सेफ्टी नॉर्म्स है या दूसरे जो नॉर्म्स हैं उन पर भी अमल लाया जा सके, ताकि दिल्ली में जो घटनाएं घटी हैं वो दोबारा रिपीट ना हो। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।